उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार रात तीन शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद तीनों शूटरों ने अपने अपने हाथ खड़े कर स्वयं को सरेंडर कर दिया था। इस बहुचर्चित हत्याकांड में एक टॉप शूटर कासगंज का रहने वाला है। वह पूर्व में भी जीआरपी पुलिस हत्याकांड में जेल जा चुका। जेल से छूटने के बाद वह कासगंज को छोड़कर बाहर चला गया था। प्रयागराज के धूमनगंज मेडिकल कॉलेज में सरेआम बहुचर्चित माफिया डॉन अतीक और अशरफ की हत्या करने में शामिल एक शूटर अरुण मौर्य कासगंज के गांव बगेला पुख्ता का रहने वाला है। उसके गांव का नाम अरुण मौर्य उर्फ कालिया था। उसके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई और बाद में वह सोरो कस्बे में जाकर रहने लगा। तकरीबन 2014-15 में कासगंज बरेली फरुखाबाद रेलवे मार्ग पर उजियानी और सोरो के मध्य चलती ट्रेन में लूट के बाद सिपाही की गोली मारकर हत्या की। बाद में वह जेल भी गया था। उसके बाद उसके तार अपराधियों से जुड़ गए और वह लगातार अपराध की दुनिया में कदम दर कदम बढ़ता चला गया। अरुण के दो छोटे भाई भी हैं जिनका नाम धर्मेंद्र और आकाश है, जो कि फरीदाबाद में रहकर कबाड़े का काम करते हैं। अरुण मौर्य की माँ का नाम सविता, पिता का नाम हीरालाल था, जो दोनों माता पिता बचपन में ही छोड़कर दुनिया से चले गए थे। अरुण मौर्य की चाची लक्ष्मी देवी आज भी गाँव में ही रहती है। चाची लक्ष्मी के मुताबिक वह सोरो में 8 वर्ष पूर्व आया था, उसके बाद वो आज तक नहीं आया। गांव आता था लेकिन वह किसी से बात नहीं करता था। घटना की खबर मिलते ही गांव में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। अरुण की आप कौन लगती हैं? अच्छा, अरुण ने ये घटना को अंजाम दिया है। कितने दिनों से अरुण यहाँ पर नहीं रहता था? 19 साल मेरे पास रहे, जो 8-9 साल की, जब 16-17 साल हैं यही अरुण को जहाँ से जाऊँ मेरे पास ना आता है ना। अच्छा, इनके माता पिता खत्म कितने दिन पहले? मैं ना पता, मेरी शादी से पहले। अच्छा, दिल्ली ही रहते हैं, मतलब इनकी मम्मी दिल्ली थी। अरुण और अरुण अरुण के कोई भाई हैं क्या? 3 भाई हैं, अरुण छोटे जी। और भाई क्या करते हैं? ऐसे ही अपनी काम कर लेते, मजूरी अपनों ये तो इन्हें काट गेहूँ खाऊँ अपने गेहूँ काट लें अपने काम कर लें। यानी एक गरीब परिवार से हैं। हाँ, लेकिन अरुण के बारे में पूरे परिवार को किसी को जानकारी नहीं थी? अरुण 8-9 साल के जब जहाँ से गए अरुण तब सोरों भाग गए गुस्सा में। बच्चा काम बिगाड़ रहे, घर माँ बाप के हैं तो हटकना चाहिए, अब काम बिगाड़ रहे हैं तो इन्हें हटक दो। अरुण जहाँ से भागे गुस्सा में, अरुण आए ना तब।